और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुआ अलायंस गठबंधन। न्यूज 18 इंडिया से बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा अमेठी से लड़ने का है दबाव, लोगों ने मेरी मेहनत देखी है, यानी खुलकर आए पहली बार सामने। दिल्ली आबकारी घोटाले में केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से ईडी ऑफिस में हो रही है पूछताछ। अभिनंदन व्यूअर्स, आपका देश के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आर पार में करीब 8 दशक पहले धर्म के आधार पर बंटवारे की सोच दिखाने वाली मुस्लिम लीग की साल 2024 के चुनाव में, यानी आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। और इसकी वजह है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें कहा गया है कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आसान लोन देने का वादा भी कर डाला है, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टू कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग की थी, और कांग्रेस एक बार फिर मुस्लिम लीग के विचारों को देश पर थोपना चाहती है। लेकिन यह इकलौता मामला नहीं है। रामनवमी पर ममता बनर्जी ने दंगे की जो आशंका जताई है, उसे लेकर भी सियासी पारा बड़ा हाई हो गया है। और इसी बीच अखिलेश यादव माफिया मुख्तार अंसारी के घरवालों का दुख दर्द बांटने पहुंचे, इसे लेकर भी जबरदस्त सियासी टकराव हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं, तो क्या यह सब तुष्टीकरण की एक बड़ी चाल है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, तुष्टीकरण का रोक चुनावी है प्रयोग। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ही धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। वोट बैंक वाली ढाल की पहली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एनआईए की टीम 2022 के एक केस की जांच के लिए पहुंची थी। उस टीम पर ना सिर्फ वहां हमला हुआ, बल्कि ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी एनआईए के जरिए राज्य में दंगा कराना चाहती है। दंगा कोण में उड़ा 19 तारीखे वोट, 17 तारीखे दंगा करवे। तुम्हारे तो राम काने काने बोल दी जाएनी, तुम्हें दंगा करो, किंतु एरा दंगा करवे और कोड़े एरा ये के ढुकी देवे। राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं, हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। तब देश विरोधी संगठन एसडीपीआई जैसी संस्थाओं का अपना सहयोग लेते हैं, पीएफआई उनको संरक्षण भी देते हैं, सहयोग भी लेते हैं। जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, ना जाने कितना नफरत का सामान इन्होंने भर के रखा है, जो देश में आग और लगाना चाहते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके गांव में पॉलिटिकल पर्यटन जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की और इसके बाद बेहद हैरान करने वाले आरोप भी लगाए। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं? माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावे। इस बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी वार पलटवार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। आपके दिल में जो था और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला।
दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में खुलकर लिखा है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस की नजर में बहुसंख्यकवाद क्या है? क्या काशी का कायाकल्प करना बहुसंख्यकवाद है? क्या रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण बहुसंख्यकवाद है? क्या भारत में हिंदू होना अपराध है? तानाशाही से बहुसंख्यकों की तुलना के आखिर मायने क्या है? क्या संख्या बल के आधार पर अधिकार तय होंगे? क्या बहुसंख्यकों को गाली से मिलेगी वोट वाली ताली? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वोट के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को गुनाह वाले दाग भी अच्छे लगने लगते हैं? तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, तुष्टिकरण की सियासी होड़ का विश्लेषण। कांग्रेस घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद पर लगाम कसने का खुला ऐलान है। बहुसंख्यक कौन है? भारत में हिंदू आबादी को बहुसंख्यक माना जाता है। क्या है बहुसंख्यकवाद? जो सवाल हमने आर पार में आज उठाए। टीएमसी घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद पर लगाम लगाने की बात है। टीएमसी की बात यह है कि ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न है, क्या कांग्रेस पार्टी या फिर क्या विपक्ष जो है वो बहुसंख्यकवाद की बात करके तुष्टिकरण का खेल खेलना चाह रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए विवेक है, मेरे साथ लेफ्ट के जाने माने नेता है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता है, रिजवान अहमद है, स्कॉलर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, साथ ही साथ प्रवक्ता है। शुरुआत में आपसे करता हूं विवेक जी, और आपसे 40 सेकंड में जानना चाहता हूं ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है जिसकी बात कर रही है कांग्रेस? देश के दिल में क्या बहुसंख्यकवाद के खिलाफ माहौल है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए बहुसंख्यकवाद एक खतरनाक चीज है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुसंख्यकवाद की एक नीति 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक लेकर के आए थे, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और हिंदू माइनॉरिटी और बाकी माइनॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं एक सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप दी गई। तो बहुसंख्यकवाद अगर चरम सीमा पे पहुंच जाता है, फनेटिक हो जाता है, तो फासीवादी स्टेट का निर्माण होता है। ये जर्मनी में हम देख चुके हैं, हिटलर के अंडर ये खतरनाक चीज है। सामान्य ज्ञान के लिए मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए बहुसंख्यकवाद है क्या? पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 आपकी राय में क्या है बहुसंख्यकवाद? बहुसंख्यकवाद में आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को सुपीरियर मानते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से, और स्पेशल प्रिविलेजेस देकर के माइनॉरिटीज को सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरफ धकेलते हैं। जगह जगह उनका बहिष्कार उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस का होता है, और फासीवादी स्टेट का निर्माण होता है। ये खतरनाक स्थिति होती है, इससे देश पिछड़ता है जैसे पाकिस्तान पिछड़ा है। प्रोग्रेसिव देश वो होता है जिसमें सभी नागरिक एक समान होते हैं, सबकी एक जैसी राइट्स होती हैं, माइनॉरिटीज मेजॉरिटी से ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। इसलिए आपने अपनी बात को रखा, अब अपनी वाणी को दीजिए विराम। अब गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इसी बहुसंख्यकवाद को देखते हुए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। सवाल ये उठता है कि आपको कांग्रेस प्रधानमंत्री को कांग्रेस से मुस्लिम लीग की याद क्यों आ रही है? गौरव भाटिया, देखिए अमी जी, सबसे पहले तो ये जो है पूरा देश अचंभित रह गया ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है वो मुस्लिम लीग का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। तो आपने जो सवाल पूछा ऐसा क्या लगा, तो मैं आपको दो बातें बताता हूँ उसी मैनिफेस्टो से। पहली बात, आप आरक्षण की बात करेंगे धर्म के आधार पे, क्योंकि अभी आपको खुशी नहीं मिली है कि आपने देश के दो हिस्से कर दिए थे और वो धर्म के आधार पे ही हुए थे। आप चाहते हैं आगे भी लोग टूटते रहे, प्रदेश टूटते रहे जी, और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रहे। और संविधान क्या कहता है अमित जी? संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है। दूसरी बड़ी बात है, इन्होंने कहा बहुसंख्यकवाद खतरनाक है। अरे भूल गए, पहले तीन शब्द संविधान के हैं, वी द पीपल। हमारे देश में बहुसंख्यक कौन है अमी जी? हिंदू। और हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि वो अपने आप को एक पंथ निरपेक्ष देश देते हैं।
वो संविधान देते हैं जो पंथ निरपेक्षता की बात करता है, मतलब बहुसंख्यक अब खतरनाक हो गए जी गौरव भाटिया, खतरनाक नहीं है जी गौरव, गौरव खतरनाक नहीं है। कितनी अशोभनीय बात इन लोगों ने करी है, कांग्रेस पार्टी पे थूथू हो रही है जी। देश का मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया का रुख करता हूँ। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कांग्रेस तो बहुसंख्यक वाद के खिलाफ है जी। मैं जानना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के तुष्टिकरण के साथ है पाकिस्तान में, अगर आतंकी माने जा रहे हैं तो अपनी सवाल सरकार पर सवाल खड़ा करना क्या जायज है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि वो विकास के मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। उसे पता है कि हमने कोई काम तो किया नहीं है, तो नफरत की राजनीति की बात करती है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपका तुम्हारा टाइम दोबारा शुरू करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करना चाह रही, बहुसंख्यकवाद की बात किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने। किसने बोला कि कनाडा के लोग कह रहे हैं कि भारत 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 की सरकार हत्या करवा रही है? अखिलेश जी ने। अब बताइए कौन विकास की बात करना नहीं चाह रहा? अरे बोलने मुख्तार अंसारी के घर तक, एक सेकंड, मुख्तार अंसारी के द्वार पर जाकर कौन सा विकास का काम हो रहा था? अरे यार मुख्तार, अरे यार नहीं, सवाल का जवाब नहीं दोगे आप? बोलो ना बीजेपी की बात करोगे आप? अब मुझे नहीं बोलने दे रहे, बीजेपी प्रवक्ता ने बोल तो दिया। सवाल मेरा है, चुप तो रहोगे तब तो मैं बोलूंगा। बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा था तब आप चुप थे, मुझे बोलने दीजिए भाई, मेरा नंबर है, मुझे बोलने दीजिए। अब मैं बोलना शुरू करता, आप चिल्लाना शुरू करते हैं तो ठीक नहीं है भाई, परंपरा ठीक नहीं है, हिंदुस्तान देख रहा है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है, मन से खड़े होकर विकास की बात नहीं करती है, और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि उसने क्या क्या वादा किया था देश के अंदर में 2014 में जब चुनाव में आई थी कि किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी? हो गई क्या? किसान की एमएसपी गारंटी मिल गई क्या? किसान रोड पे धरने पे बैठा नहीं है क्या? बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा है क्या? बेरोजगार को आपने कहा था पैर पे खड़ा कर देंगे, बेरोजगार को आपने लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, आप तो 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, आप तो उनको रोजगार देने वाले थे, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी? महिला अत्याचार की आप बात करते थे, हम आएंगे महिला अत्याचार खत्म कर देंगे, क्या हुआ यहाँ मणिपुर में? मणिपुर में कैसे अन्याय हुआ महिलाओं के साथ? किस तरह से पहलवान महिलाओं के साथ हुआ? किस तरह से पीएचयू घटना हुई? अंकिता भंडारी हुआ? जवाब देखिए यही है कि रेटिंग जवाब देखिए, मैं फिर निवेदन करूंगा जो सवाल जवाब देना चाहिए। गौरव भाटिया अब आपने अभी बात को रखा, गौरव भाटिया योर रिप्लाई 40 सेकंड्स। कहां बात को रखा? अभी बात रखने नहीं देते, मैं पोल खोलना शुरू करता हूं बीजेपी के, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पोल खोल दीजिए अनुराग, पता नहीं कौन से पेट की बात कर रहे हैं, किस दर्द की बात कर रहे हैं। 2 मिनट तो बोलने दो, एक सेकंड, आपने 2 मिनट नहीं 2.5 मिनट बोला, आपने बोलना शुरू करता हूं 2.5 मिनट बोला आपने, आपको पता ही नहीं लगता आप कितना बोल रहे हैं। ऑडियो डाउन करने का, अब गौरव भाटिया की बारी, गौरव भाटिया 40 सेकंड शार्प, उसके बाद ऑडियो डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेक योर पॉइंट गौरव भाटिया। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मुख्तार अंसारी के लिए अखिलेश यादव का दिल क्यों धड़कता है? ये तुष्टिकरण की राजनीति का ही प्रमाण है। अब याद करिए योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे कहा गुंडों को मिट्टी में मिला दूंगा, और दर्द किसे हुआ था? अखिलेश यादव को। एक दूसरा, तुष्टिकरण का अगर कोई असली पराकाष्ठा है तो समाजवादी पार्टी है। मैनिफेस्टो की बात हो रही है, देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, कैमरा लगाइए इस पर, जनता देखे। और अंदर क्या कहते हैं अमीर जी? जी जी, ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी लागू करेंगे, जब सरकार में थी तब करी नहीं। और जो दहशतगर्दी करते हैं, जो आतंकवाद के मुकदमे कायम थे उनके मुकदमे वापस ले लेंगे। ठीक है, जवाब जवाब बताइए एक बात अमीर जी, जी जी, जो आतंकवादी हैं उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है? किसी भी आतंकवादी की जेल की सलाखों में जगह है या फिर 2.5 गज जमीन के नीचे जगह है? मौतें हुई दिखाइए, और नोटबंदी में किसको फायदा हुआ दिखाइए, अरबपतियों की कितनी संपत्ति बढ़ी दिखाइए, बिलियनियर कितने बड़े हैं हिंदुस्तान में दिखाइए, 2014 के बाद 83% युवा बेरोजगार हुआ, ये आईलो की रिपोर्ट है दिखाइए, आप सम्राट चौधरी ने पिता पुत्री के रिश्ते के बारे में क्या बोला दिखाइए, आप दुनिया देखना चाहती है कि पिता पुत्री के रिश्तों को यहाँ पे ईश्वरीय रिश्ता बोला जाता है, वो कह रहा है कि किडनी देकर टिकट दे रहे हैं, क्या ये बताइए कि पिता अपनी बेटी को पाल उसके बड़ा करता है, पुत्री अगर अपना फर्ज निभाती है अपने पिता को किडनी दे दे या अपने पिता की मदद करे तो लेनदेन का रिश्ता कहलाता है क्या, बताइए आप, मैं जानना चाहता हूँ। संविधान बदलने की बात कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के एमपी कह रहे हैं कि जीतेंगे तो संविधान बदलेंगे, बताइए आप दिखाइए आप, हमें जानना चाहते हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट अनुराग, अनुराग ऑडियो डाउन, रिजवान अहमद एक सेकंड, रिजवान अहमद को के पास जाइए, एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, आई विल कम बैक टू गौरव जी। रिजवान अहमद मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है आपसे,
क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है या बीजेपी बहुसंख्यक पॉलिटिक्स कर रही है और इस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती है? क्योंकि बीजेपी ने तो नहीं बोला था अखिलेश जी से कि आप मुख्तार अंसारी के आ जाइए, बीजेपी ने तो नहीं कांग्रेस को बोला था कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये एक लाइन में बता दूं जी बिल्कुल एक लाइन में बता दूं एक लाइन में आप पूछ रहे थे कि बहुसंख्यकवाद क्या है जी। जब बहुसंख्यक अब संख्यकवाद पर सवाल पूछने लगे, तुष्टीकरण पर सवाल पूछने लगे, झूठे सेकुलरवाद पर सवाल पूछने लगे, उसको बोला जाता है बहुसंख्यकवाद, जो 2014 नहीं बल्कि 13 से तभी मोदी जी सत्ता में आए बहुसंख्यक ने पूछना शुरू कर दिया था। अब सेकुलरवाद ये चाहते हैं कि झूठे सेकुलरवाद पर, तुष्टीकरण पर और अकलियतवाद पर सवाल मत पूछो, पूछोगे तो तुम्हारी तुलना हिटलर से, रशिया से और नाजियों से की जाएगी। ये तो है भाई डेफिनेशन। दूसरी बात, बात मैनिफेस्टो से आई है, कांग्रेस ये मैनिफेस्टो ला ही नहीं सकती थी टेक्निकली, क्योंकि पूरा चुनाव इंडिया अलायंस के मंच से लड़ा जा रहा है। ये इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आना चाहिए था। जो पार्टी अकेले 270 सीट जीतने की बात नहीं कर रही वो मैनिफेस्टो कैसे ला सकती है? और क्या इस मैनिफेस्टो में इंडिया अलायंस का सैंक्शन है, कंसेंट है? ये अनुराग भदौरिया बताएंगे। अब इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा, पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल वक्ता बैठे हैं। जो भी ये इनका मैनिफेस्टो है कि साहब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा माइनॉरिटी का, क्या यहां पर मेजोरिटी लिखा है? फिर ये है अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, स्किल डेवलपमेंट, माइनॉरिटी के लिए क्या है यहां पर मेजोरिटी लिखा है? क्या उन्होंने लिखा है कि वी विल इनकरेज रिफॉर्म ऑफ पर्सनल लॉज ऑफ मेजोरिटी, लिखा है नहीं लिखा है? यहां पर लिखा है माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, तो इसका मतलब लड़ाई हो रही है। विवेक इसका जवाब, विवेक सवाल पूछने वाले बहुसंख्यक की देखिए जी, देखिए जी जी ओके माइनॉर झूठे सेकुलरवाद। रिजवान भाई देखिए, ये आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं चीज को। पहली चीज तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, INDIA का अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, और वो रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे घटक दल इकट्ठा हुए हैं, ऐसा लगता है कि 1947 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और कहीं ना कहीं मेजोरिटी कम्युनिटी वर्सेस माइनॉरिटी कम्युनिटी की एक धार्मिक पॉलिटिक्स इस देश में खेली जा रही है। इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, खड़ा होना जरूरी है, ये मैं आपको पहले समझा दूं। दूसरी बात, एक मैनिफेस्टो जो होता है वो CAG की रिपोर्ट नहीं होती है। मैनिफेस्टो और CAG की रिपोर्ट के अंदर फर्क को समझिए। CAG की रिपोर्ट में हर चीज का एक डिटेल दिया जाता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। मैनिफेस्टो एक ब्रॉडर आउटलाइन है जिसके अंदर बड़ी क्लियरिटी के साथ जो विजन है वो एक सेक्युलर और सोशलिस्ट इंडिया का है, इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए। क्रोनी कैपिटलिज्म जो इस सरकार जो अनुराग भदौरिया अभी क्वेश्चन कर रहे थे, जिसको अनुराग भदौरिया क्वेश्चन कर रहे थे, उसके ऊपर भी INDIA इकट्ठी है, इसको आप समझ लीजिए इस चीज को। और जिस तरीके से मुसलमान और आपने सही कहा माइनॉरिटीज का मतलब मुस्लिम, ठीक है। रिजवान 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 को 30 सेकंड का टाइम है, ओके रिजवान अहमद 30 सेकंड जी। अमीश भाई आप कह रहे हैं कि हम महालक्ष्मी स्कीम लेके आएंगे, 8 करोड़ गरीब परिवार की सबसे वृद्ध महिला को 1 लाख रुपए साल देंगे, ये ब्रॉडर आउटलुक होता है? आप सारे ग्रेजुएट को, डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए साल देंगे, ये ब्रॉडर आउटलुक होता है? जी नहीं, ये ब्रॉडर आउटलुक नहीं होता है, ये वेरी स्पेसिफिक होता है। और ये जो मैनिफेस्टो है ये स्पेसिफिक है, नंबर वन। नंबर टू, क्या भाजपा के, मेरा सीधा सवाल है, क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में मेरे भाई जहां जहां माइनॉरिटी यूज हुआ है वहां वहां मेजोरिटी यूज होगा? कि मेजोरिटी के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, मेजोरिटी के लोगों को बैंक से लोन दिए जाएंगे, मेजोरिटी के लोगों का पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, क्या उनके मैनिफेस्टो में ऐसी बात लिखी जाएगी? आपको लगता है लिखी गई है? जब आप, जब प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के पे मंच को माइनॉरिटीज को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस प्रोग्राम के शुरू में ही दिखाया गया, और मैनिफेस्टोस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं जो माइनॉरिटीज की बात उठाते हैं, तो विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और विजन ऑफ द गवर्नमेंट और विजन ऑफ बीजेपी क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, जब आप चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा का और सरकार का 10 साल का कार्यकाल, उनकी नीतियां और जिस तरीके से चीजें मैनेज हुई हैं इस मुल्क में, वो बड़ी सामने है कि एजेंडा क्या है।
इट मे और मे नॉट बी रिटन इन द मैनिफेस्टो, बट एवरीबॉडी नोस कि संघ का एजेंडा क्या है। रिजवान अहमद 20 सेकंड बटल देन गौरव भाटिया एनडीएम 30 सेकंड। जी 30 सेकंड। जी 30 सेकंड। अमीश भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल इतना खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भाई एक बात बताइए आप लोग, आपको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए भी इंडिया अलायंस बनाना पड़ा? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इतनी बुराइयों के बाद अकेले लड़के जीत लीजिए ना। और बीजेपी आपको इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नीतीश कुमार क्यों चाहिए? बीजेपी को अजीत पवार क्यों चाहिए? बीजेपी को नीतीश कुमार क्यों चाहिए? बीजेपी को अखिलेश यादव अगर उनकी वो तो हमारे चाहिए, क्योंकि 300 सीट से 350 पहुंचना है, 300 सीट से 350 पहुंचना है, आपको कितना पहुंचना है? इसलिए कह रहे हैं कि हमारा भी 400 का टारगेट है, तो ये थोड़ा सिलेक्टिव हो सकते हैं। आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या? 400 का टारगेट है, आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या? इनका 400 का टारगेट 400, हम INDIA 400 लाएगा साहब, हम भी 400 लाएंगे। अब ये नहीं है ना, अब देखिए पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। अगर बीजेपी को ये राइट है, एनडीए को ये राइट है कि वो अपने लीडर्स को अन्य बिल्कुल सबको राइट है, सबको पॉलिटिकल राइट है, लेकिन तो, देखिए रॉन्ग करके राइट नहीं होता। मैं गौरव भाटिया को चर्चा में लेके आना चाहता हूं, रॉन्ग करके राइट नहीं होता, मेरे साथ टीएमसी के भी नेता है, मैं रॉन्ग करके राइट नहीं होता। पॉइंट ये है कि गौरव भाटिया ने तो बोला नहीं था कि भाई मुख्तार अंसारी के पास जाया जाए, पाकिस्तान में आतंकी मर रहे हैं तो उन पे सवाल उठाए जाए, मतलब एक और बड़ी बात पाकिस्तान में आतंकी मर रहे हैं तो उस पे सवाल उठाए जाए। और मतलब आप सोचिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में सीधे कहा जा रहा है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, मतलब बहुसंख्यकवाद पर हम लगाम कसने की कोशिश करेंगे। क्या है बहुसंख्यकवाद पहले तो उसे एक्सप्लेन करिए ना, यहां पर एक इंडिया अलायंस का अगर एक्सप्लेन करते बहुसंख्यकवाद क्या है तो मैं समझ जाऊं। क्या है बहुसंख्यकवाद? कह रहे हैं कि देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये बहुसंख्यकवाद है। अरे राम रामलला का मंदिर बनना क्या बहुसंख्यकवाद है? बहुसंख्यकवाद है क्या मंदिर? क्या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना बहुसंख्यकवाद है? एक सेकंड, क्या 370 हटना बहुसंख्यकवाद है? सवाल पूछा जाएगा ना ये डेवलपमेंट पे। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं कर रहा, 4-5 नेता सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में पेट्रोल खत्म हो गया है, मध्य प्रदेश की घटना है ये आज की, और बहुसंख्यकवाद पे सवाल उठाने चले हैं। अमीर जी अब ओके की बात रखो। गौरव भाटिया देन टीएमसी। धन्यवाद। देखिए दो बड़ी बातें मैं आपके मंच पे रखता हूं। पहला, बहुसंख्यकवाद पे आपने कहा, ये इनकी जहरीली सोच है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी बताया किस तरह से कम्युनल वायलेंस बिल लाने का प्रयास किया था इन्होंने, पुरजोर तरीके से जब विरोध हुआ तो ठंडे बस्ते में डाल दिया उसे। वो क्या था? जो बहुसंख्यक हैं उनको आरोपी मान लिया जाएगा, ये किस तरह का कानून था? और हिंदू आतंकवाद आविष्कार कहाँ हुआ? कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जबकि हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है। ये दिखाता है इनकी नफरत बहुसंख्यकों से, हिंदू ही बहुसंख्यक है। लेकिन बड़ी बात क्या है, लेकिन गौरव बड़ी बात तो काम ऐसे ही करते हैं ना, आप लोग भी तो काम ऐसे ही करते हैं, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी मारे गए हैं, क्यों मारे गए पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी? सवाल का जवाब देना होगा आपको, विपक्ष को। अमीर जी देखिए, आतंकी चाहे पाकिस्तान में मरे चाहे भारत में आतंकी मरे, दर्द जो होता है वो कांग्रेस पार्टी सपा टीएमसी इनको होता है। क्यों मालूम है? इनका जो तार है भारतीयता का वो तो है ढीला टूटा हुआ है, और जो तुष्टीकरण का है मुस्लिम वोट बैंक का है वो मजबूत है, उसमें करंट जरूर आता है, कई बार पाकिस्तान से भी करंट आ जाता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा आपके प्रोग्राम में जो हमारी अखंडता के लिए खतरा बने, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। हमारे देश में दूसरे नंबर पे बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान है। तो हमें यह समझना होगा कि अरे अगर अल्पसंख्यकों की बात करते हो तो क्रिश्चियन 2.3% है, जो सिख है वो 1.7% है, जैन 0.4% है, अल्पसंख्यक तो वो है। लेकिन आप तो कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा था हम मुस्लिम पार्टी हैं, राहुल गांधी ने क्या क्या इससे पहले, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, खासकर मुसलमानों का है, क्या ये सत्य नहीं है? हज सब्सिडी देते थे जवाब, जवाब, जवाब। रुपए से
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जवाब टीएमसी का जवाब होगा। आज जो शासन है जी 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 वो शासन है सबका साथ सबका विकास, और पहले जो शासन था वो तुष्टिकरण का था, जहां हिंदू द्वयम अनिर्बन बनर्जी अनिर्बन बनर्जी गौरव भाटिया की बात का जवाब जी। ये रामनवमी से दिक्कत क्या है, इलेक्शन हो ये रामनवमी से टीएमसी को दिक्कत क्या है बनर्जी साहब जी? रामनवमी को दंगा बनाने का, दंगा करवाने का एक डेट में जो कन्वर्ट किया है उसका नाम है आरएसएस बीजेपी, इसको लेकर सबको दिक्कत है, टीएमसी को नहीं सबको दिक्कत है। एक जो बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि ये सही आरोप है भाई, यहाँ पर बांग्ला में कोई भी पूजा हो कोई भी फेस्टिवल हो सालों से होता आया है, ये बीजेपी और आरएसएस का जो दबदबा है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, उसके बढ़ने के बाद एक डेट में पूरे साल में सिर्फ एक डेट में ये ऐसे काम करते हैं कि सबको लगता है कि भाई अब क्या होने वाला है, और कि दुर्गा पूजा में प्राय लगभग एक महीना तक सब फेस्टिवल में लगे लेकिन रहते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी एक ऐसी डेट है जब दंगा होगा, आप कह रहे हैं जब रामनवमी एक ऐसी डेट है जब दंगा होगा, जब से बीजेपी और बीजेपी के जो लोग हैं वो दंगा ऐसा तो नहीं है कि वारदात पहले भी होती हो, बीजेपी और आरएसएस के लोग रेजिस्ट करते हो, पुलिस रोकता है कोई भी फेस्टिवल में, सुन लीजिए और कोई भी फेस्टिवल में, वो दुर्गा पूजा हो सरस्वती पूजा हो वो ये अपना ईद हो वो 25 दिसंबर हो कुछ भी हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है, सिर्फ इस एक तारीख में बीजेपी आरएसएस के जो गुंडे हैं वो उतर जाते हैं रास्ते पे, इसको लेकर पूरे स्टेट में टेंशन फैल जाता है, इसीलिए टीएमसी और सब पार्टी को बीजेपी को छोड़कर सबको आपत्ति है कि ऐसा डेट में इनको पकड़ कर घर में रख लो, उससे शांति रहेगा, ये लोग सभ्य समाज के लिए एकदम खतरा है, यही टीएमसी ने बताया और दूसरे पार्टी में एक ही बात कहते हैं। देखिए मैं अभी जी इनकी बात का उत्तर देता हूं, टीएमसी के प्रवक्ता ने यह मान लिया है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इनके दम नहीं है कि कानून व्यवस्था सही रखें। संदेश खाली याद करिए, नाम था आरोपी का शाहजहां शेख, अगर वो श्रीकांत शर्मा होता तो 5 घंटे में ममता बनर्जी पकड़ लेती, 55 दिन तक उसको पकड़ नहीं पाई थी जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आया। ये बात करते हैं दुर्गा वो स्टेट पुलिस नहीं पकड़ा, 4-5 साल सीबीआई ईडी ने कुछ नहीं कर पाया। बनर्जी साहब के सीबीआई बनर्जी साहब अनिल बाल आप समझदार आदमी लग रहे हैं, आपकी अपनी टर्न से बोलिए, लोगों का मुंह का दस्त है इन्हें जी, शांत रहे। मैं 3 पॉइंट अपने बोलूंगा, एक बोल दिया, संदेश खाली 55 दिन तक शाहजहां शेख दौड़ता रहा क्योंकि संरक्षण प्राप्त था, दूसरा 5 साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने, मैं आपको अलग अलग आदेश दिखा दूं, जब मुहर्रम आता है तो दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश देता है अमीश जी कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए भी रास्ते बनाइए। तीसरी बात, क्या ये ममता बनर्जी का बयान नहीं है कि मुसलमान जो है वो दूध देने वाली गाय है उसकी दुलकती में खाऊंगी, और हिंदुओं के लिए एक राम का अनुयायी कहता है जय श्री राम तो ममता बनर्जी गाड़ी से निकलती है गुस्से से और कहती है तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, आप बताइए तुष्टिकरण नहीं है तो और क्या है? रोहिंग्या इनको अपने लगते हैं लेकिन हिंदू इनको पराए लगते हैं, यही तो चश्मा लगाया है हरा हरा ममता बनर्जी ने जी। बनर्जी साहब आप जवाब दे दे जी, यही देखिए बीजेपी, मैंने पहले ही कहा था जो भी वोट आ जाए वो लोकसभा हो विधानसभा हो कुछ भी हो, इनका एक ही मुद्दा है हिंदू मुसलमान करो भारत पाकिस्तान करो और कुछ वोट समेट लो, यही तो वो सरकार है जो पुलवामा में क्या हुआ था आज तक बता नहीं पाया, सत्यपाल मलिक ने बता दिया क्या हुआ था, ये लोग चुप बैठे हैं, ये लोग वोट के लिए हमारे जवान को मार देते हैं, ये लोग वोट के लिए दंगा करवा देते हैं है। और इनके इनके जब है? सरकार चलता है तो ना मुसलमान ना हिंदू कोई भी सेफ नहीं है, ये जो अब तीन ये जो दुर्गा पूजा को लेकर इतना बात कर रहे हैं, ये कहते थे बांग्ला में दुर्गा पूजा होता ही नहीं है, तो बांग्ला के लोग ने वोट में ऐसा चमाटा मारा कि अब आके दुर्गा पूजा में ये आके ऐसे हाथ ऐसे करके बैठे रहते हैं, ये लोग कहते थे यहाँ दुर्गा पूजा होता ही नहीं था, तो वो जब भी बांग्ला को लेकर ऐसा उल्टा सीधा बोले हैं। देखिए बनर्जी साहब देखिए आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली जो कि एक मैसिव स्टेटमेंट है कि रामनवमी पर दंगा करने का ही प्लान इन्होंने कर रखा है, और रामनवमी एक ऐसी तारीख होती है जिसमें आके दंगा करते हैं, रामनवमी में तो राम की पूजा होती है
और ये रामनवमी तो बेहद बेहद खास है, और सिर्फ तो बंगाल के लिए नहीं, करोड़ों हिंदुओं के लिए खास है, क्योंकि रामलला का मंदिर बना है 550 साल बाद, 550 साल बाद रामलला का मंदिर बना है, इसलिए ये रामनवमी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद बेहद खास है। आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया आकर, और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ये है कि रामनवमी के दिन ही, रामनवमी एक ऐसी तारीख है जिसमें दंगा कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं किसी और धर्म के, एक सेकंड, नहीं बैनर्जी साहब, बैनर्जी साहब, मैंने आपको पूरा सुना, आपको पूरा सुना बैनर्जी साहब, आप बोल सकते हैं किसी और मजहब, किसी और धर्म के त्योहार के लिए कि वो फलानी तारीख दंगे की तारीख है, बस, लेकिन ये लिबर्टी आपको रामनवमी पे मिल जाती है बोलने की। आप बोलिए, अगर कोई गलत करेगा तो उस गलत पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे त्योहार को एक धार्मिक उन्माद का विषय बना देना बेहद बेहद गलत है, और मैं यही कहता हूं ये चुनाव का प्रयोग है और तुष्टिकरण का बहुत पुराना रोग है, बहुत पुराना रोग है, लेकिन ये देश साल 2014 के बाद बदल गया है, 2013 के बाद ये देश बदल गया है, ये तुष्टिकरण को समझता है, इस देश के प्रधानमंत्रियों ने बयान दिए हैं भाई, अल्पसंख्यकों का पहला हक है नेचुरल रिसोर्सेस पर, विज्ञान भवन में ये भाषण हुआ था, कोई क्या कहेगा किसी को, हुआ था इसी मुल्क के अंदर हुआ था, कम वोट में हमको जो करना है हम वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये देश बोलता है अब, और यही बहुसंख्यकवाद की बात कर रहे हैं क्या, रामनवमी को दंगे के साथ जोड़ेंगे, यह अगर इसका कोई विरोध करता है तो बहुसंख्यकवाद हो जाता है। रिजवान अहमद कुछ कह रहे थे 30 सेकंड, अनुराग बुदरिया, रिजवान जी, अमीश भाई मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां खत्म करी थी, आने वाला 30 सेकंड मैं सीधे अखिलेश यादव जी को देता हूं। सामने देखते हैं, इनसे पूछा गया कि आपने इंडिया अलायंस क्यों बनाया है, बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी जी। अब मेरा सवाल है, ये बात मैंने नहीं बोली और भाटिया भाई ने भी नहीं बोली, ये कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस हमारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। ओके अनुराग जी, आप देखिए अमीश जी, आप, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछवा रहे हैं, इसलिए कि आपको बधाई तो बनती है अमीश जी, आपके लिए तालियां तो बनती है कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हूं मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछिए, जवाब मैं जवाब दूंगा, बताइए क्या है अमीश जी। देखिए सवाल ये, आपके सवाल 3 थे जब मैंने शुरू किया था, तो आपने 3 सवाल पूछे थे, 1 मुख्तार अंसारी के यहां क्यों गए, मैं आपको बताता हूं, इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ताकत किसके पास है, जनता की अदालत के पास है, जनता की अदालत सुप्रीम अदालत होती है, वही जनता लगातार उस परिवार को जिताती आ रही है, अगर जेल में था तो भी 5 बार जीता, बेटा जीता, फिर उसका भाई जीता, फिर उसका भतीजा जीता, जनता जिता रही है, हम नहीं जिता रहे, और जिसको जनता जिताती है उसका सभी सम्मान करते हैं, वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा में बैठता है, जाके या विधानसभा में बैठता है। दूसरी बात, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, मैं पूछना चाहता हूं, लोकसभा में यहां पे 763 सदस्य हैं, आप बताइए कितने सदस्य हैं जिनके ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे हैं, संगीन मुकदमे आपराधिक, वो है 154 सदस्य। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि बिलियनर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, 2014 में 100 थे, 2024 में 186 हो गए, गरीब होता जा रहा है, किसान की इनकम बढ़ती जा रही, 27 रुपए पर डे आ गई, लेकिन अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ गई, कहां से भाई, देश में कर्जा 205 लाख, यह बात आपने 10 मिनट पहले भी बोली, 80% जीडीपी दमखम के साथ बोली, ओके यू मेड योर पॉइंट रिजवान अहमद, अनुराग की बातों का जवाब, बात पूरी नहीं हुई, हो गई सर, 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए, मीडियो पॉइंट सेकंड और दोगे, ओके ओके मीडियो पॉइंट, मैं आपको आगे चांस दूंगा, रिजवान अहमद 40 सेकंड, रिजवान अहमद 40 सेकंड, आप 40 सेकंड, रिजवान अहमद, अमीश भाई रिप्लाई टू अनुराग बुदरिया, अमीश भाई फिर से अपना बड़ा मासूम सा सवाल दोहरा रहा हूं, कोई भी तीनों में से चाहे जवाब दे दे, अगर अनुराग नहीं देना चाहते, विचलित हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अखिलेश यादव जी ने 4 दिन पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस हमारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से
कहीं कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है। हमें अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा अपने काम से। मुझे हमें जवाब तो मिले ही नहीं, देश की जनता को जवाब तो मिले नहीं अनुराग का। लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया आप नहीं दे सकते, आप बताइए। मैं मौका 10 सेकंड मांग रहा था, जवाब दो ना। अखिलेश की बात का मुझे दूसरी बार भी 10 सेकंड की बात पर एग्री करते हो? मैं क्यों जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा जनता को पर एग्री करते हो? जवाब दे। अब मैं अपनी बात कह रहा हूं अमीश जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। अमीश जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आपका आप एंकरिंग कर रहे हैं। अमीश जी मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, या आईएलओ की रिपोर्ट है। देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहां जीडीपी का 81% है। सम्राट चौधरी इसी देश का है और बिहार का उप मुख्यमंत्री है। क्या कहता है बेटियों के बारे में? अरे बेटी के बारे में किडनी के लिए क्या बोला लालू जी के लिए किडनी लेके उन्होंने टिकट दिए? क्या मैंने सवाल पूछा? मैंने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा ना इस बारे में? एक सेकंड। लेकिन देखिए अभी देखिए महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए भारत में बिलियनर ज्यादा हो गए हैं और गरीब हो रहा है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, क्या मुख्तार अंसारी के घर जाकर विकास की कोई नई यात्रा शुरू हो जाएगी क्या? अगर हो जाएगी शुरू तो जानकारी दीजिए इस देश को। पॉइंट यही है कि हम जानकारी नहीं देना चाहते। गौरव भाटिया अनुराग जी के मन में कई सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब देना जरूरी हो जाता है। ओके अनुराग, शांत अनुराग। देखिए गौरव जी 40 सेकंड, ये कहना गलत नहीं होगा कि सपा के प्रवक्ता सेल गोल के पेले बन गए हैं। क्यों? इन्होंने क्या बोला आपके चैनल पे? इन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है, जनता की ताकत है, जिसको जिताती है उसका सम्मान होना चाहिए। मुख्तार अंसारी ही क्यों ना हो भाई? अगर पुलिस वालों को मारा है, लोगों को कुचला है, वो मशीन गन लेके घूमता था जब सपा की सरकार थी, लेकिन सम्मान होना चाहिए। ठीक है भाई, हमने आपकी बात आज मान ली, तो ये बताओ 2014 और 2019 में बताइए विधानसभा में कितना और 2022 में योगी आदित्यनाथ जी संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, उनका सम्मान संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, जवाब दे दीजिए। डाटा नहीं मालूम है कितने अपराधी, कितने एमएलए जिसपे संगीन मुकदमे हैं बीजेपी के, कितने सांसद हैं जिसमें संगीन मुकदमे हैं, जरा बताइए। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, प्लीज चुप करा। गौरव आपके पास डाटा नहीं है, अनुराग का ये आरोप है। देखिए मैं आपको डेटा देके ही बता देता हूँ कुछ बातें। इन्होंने कहा कि विकास पे बात नहीं करना चाहते हैं। क्या ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग नहीं बन गए हैं? क्या ये सत्य नहीं है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 760 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गया है। क्या ये सत्य नहीं है? 15 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ के नए अकाउंट खुले पिछले 10 साल में, नौकरी मिली कि नहीं मिली? क्या 45 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए हैं कि नहीं दिए? क्या ये सत्य नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान नहीं जा रही है? उसके लिए कान में उंगली डाल लेते हो? बीच में मत बोलिए। कमाल के किसान की इनकम 27 रुपए पर डे हो गई है, सुनिए, उसके लिए कान में उंगली डाल लेते हो? अब यार उसके लिए जवाब नहीं देते हो? मत कराइए। ये कौन सा नोटबंदी में क्या बोला गया? ये गलत बात है। नोटबंदी में शांत कराइए। इसमें बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में फ्यूल, एमपी के शहडोल में अटक गए हैं राहुल गांधी। उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल की कमी की वजह से, जो ईंधन डलता है हेलीकॉप्टर के अंदर, भोपाल से टैंकर शहडोल नहीं पहुंचा, इस वजह से राहुल गांधी वहां अटक गए हैं, वक्त से नहीं पहुंच पाए टैंकर, इस वजह से हेलीकॉप्टर में फ्यूल नहीं था, इस वजह से राहुल गांधी का चॉपर उड़ नहीं पाया है। एमपी के शहडोल में अटके हुए इस समय राहुल गांधी, और खबर यह है कि आज रात को शहडोल में ही रुकना पड़ सकता है राहुल गांधी को, या फिर बाय रोड ट्रैवल करके आना पड़ेगा। ये इस समय की बड़ी खबर है, वक्त पे नहीं पहुंच पाए टैंकर, जो कि फ्यूल टैंकर पहुंच रहे थे, वो इस समय की बहुत बड़ी खबर है। चलिए मेरे साथ आज कौन कौन पैनलिस्ट हैं एक बार फिर आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़ेंगे, संजय निरुपम भी जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया है, रिजवान अहमद है मेरे साथ, टीएमसी नेता है, प्रवक्ता है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता वक्ता है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह तुष्टीकरण के रोक पर फिर विपक्ष चल पड़ा है, जब पता है यह प्रयोग लगातार फेल हो रहा है। विवेक जी 40 सेकंड्स। नहीं, कोई तुष्टीकरण के रास्ते पे नहीं चला है। और मैं रिजवान भाई की बात का भी उत्तर दे देता हूं कि अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं
कि किसी का वोट बैंक कामों से बढ़ रहा है तो वो प्रेज नहीं कर रहे हैं। किस तरह के कामों से बढ़ रहा है? कम्युनल कामों से बढ़ रहा है, डिविजिव पॉलिटिक्स से बढ़ रहा है, दो रिलीजन्स को आपस में लड़वाने से, मनमुटाव कराने से बढ़ रहा है। और ये जो पॉपुलिज्म होता है ये डेंजरस है। मैं जर्मनी का उदाहरण बार बार देता हूँ। हिटलर जीत करके आए थे बाकायदा चुनाव, पॉपुलर नेता थे, उनके देश के लोग उनसे प्रेम करते थे, आगे जो हॉलोकास्ट हुआ सबने देखा। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि अगर कोई आदमी जीत रहा है या कल्ट वर्शिप हो रही है किसी पर्टिकुलर नेता की तो वो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो क्लैरिफिकेशन है अखिलेश जी पे। दूसरी चीज, मुख्तार अंसारी के केस में लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी या बाहुबली को के समर्थन में जा रहे हैं। बहुत संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। बहुत से लोगों का कहना था स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बहुत से लोगों ने कहा तो कहीं ना कहीं ठीक है ओके रिजवान अहमद से मिलना जरूरी था। जी हाँ, नंबर वन, आज बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि सवाल था अखिलेश यादव पे और हमारे लेफ्ट के प्रवक्ता उनका उसका क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं और अनुराग बदौरिया उसको अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई है आपने। अच्छा, मुख्तार अंसारी के लिए जो आप गए वो इसलिए गए क्योंकि वहां पर बड़ी संदेह पे वो जहर और बड़ी जी 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 डेथ मानी जा रही है। ठीक है, मैं इस समय रुक कर सकता हूं। मेरे साथ संजय निरुपम जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम इस समय जुड़ रहे हैं बेहद सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। संजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय निरुपम जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, यू आर गेटिंग मी? संजय निरुपम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। रिजवान अहमद, कंप्लीट योर पॉइंट। अमीश भाई, दस सेकंड। यस रिजवान अहमद। अमीश भाई, 10 सेकंड बोल ले लो। हाँ बोलो, 10 सेकंड बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के पास इस्मारे गए तो मेरे काबिल साथी, तो भैया विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी, वो भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, उसके घर भी चले जाते। मुन्ना बजरंगी भी जेल में मारा गया था तो उसके घर भी चले जाते ना, वहां नहीं गए, मुख्तार के घर गए। ये कैसा प्रेम है, जरा ये समझाएंगे देश की जनता को? विवेक 30 सेकंड्स चाहिए। पुलिस का काम एनकाउंटर करना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करना नहीं है। देश के अंदर कायदा कानून है, आपको सजा देनी है। आप कैपिटल पनिशमेंट अगर है आप देना चाहते हैं, जुडिशियल देंगे। घर क्यों नहीं गए? लेकिन अगर ये मैसेज पब्लिक में जाने लग गया, नहीं गए? सवाल ये है, सवाल ये है, आप विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है, आप विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है, मीडिया के ऊपर जम के रेस किया गया था। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके शायद संज्ञान में ना हो, विकास आप का उसके घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है और कहा घर क्यों नहीं गए? क्वेश्चन सही नहीं है। आप विकास दुबे के और मुन्ना बजरंगी के घर क्यों नहीं गए? संजय निरुपम हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं दोबारा से। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? अब देखिए सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी का भतीजा सांसद है, मुख्तार अंसारी का भाई हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा भी विधायक है और जिस पार्टी से विधायक है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस है राजभर। तो आप राजभर से भी सवाल पूछे, लेकिन हम सवाल इसके हमारा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि हमारी तो पार्टी का कोई लेना देना नहीं हमारी पार्टी से लड़ रहा है। 5 बार आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं अब्बास अंसारी से, तो बोलिए ना खुल के अब्बास अंसारी से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? मेरा लेना देना सुनिए, मेरा लेना देना क्यों नहीं है? उसका भाई मेरी पार्टी। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ गए हैं, लगता है उन तक आवाज पहुंच रही है। मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर बिल्कुल मिल रही है जी। संजय निरुपम साहब, कल तक जो आपके दोस्त थे उन्हें अब आप खिचड़ी चोर का आरोप लगा रहे हैं और जेल भी भेजना चाहते हैं, यानी संजय राउत को अब जेल भेजना चाहते हैं, क्यों? इसलिए कि कोविड के जमाने में जब यहाँ के गरीब लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया था, लोग जैसे तैसे भाग रहे थे, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन था
और उस समय एक बीएमसी की तरफ से ऐसे गरीब लोग, मजदूर लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए एक मुफ्त खाना मुहैया कराने की योजना शुरू की गई थी। पूरी योजना के तहत शिवसेना के जो पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको बहुत फ्रॉडुलेंटली अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, और वो कॉन्ट्रैक्ट संजय राउत के एक बेनामी कंपनी को भी मिला जिसमें उनके सारे पार्टनर्स थे, और उसी कंपनी से, खिचड़ी सप्लाई करने वाली कंपनी से, इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है अपनी बेटी के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, अपने पार्टनर के नाम पर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खिचड़ी घोटाला है। और यही नहीं, 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी लेकिन उसकी जगह 200 ग्राम कम करके 100 ग्राम ही दिया। तो मतलब गरीबों की खिचड़ी चुराने वालों को खिचड़ी चोर ही कह सकते हैं। तो ऑलरेडी एक खिचड़ी चोर है जो हमारे क्षेत्र से उम्मीदवार करके शिवसेना ने दिया, शिवसेना उबाठा ने दिया है। तो मैंने कहा यही है खिचड़ी चोर, नहीं है, संजय राउत किंग पिन है, इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है, और ये भी खिचड़ी चोर है, और ईडी को इसके पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन लेकिन आपने फिर ये खिचड़ी चोर को कांग्रेस ने समर्थन क्यों दे दिया? कांग्रेस में कौन शिवसेना के साथ मिला हुआ है? क्या कांग्रेस में भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना उबाठा हो, ये सभी लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेते हैं और बड़ा नैतिकता का पाठ सबको पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र में, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर करप्शन के आरोप है, दलाली खाने का आरोप है, 1,60,00,000 रुपये का बाई चेक रिश्वत लेने का आरोप है किसी कॉन्ट्रैक्टर से जिसने खिचड़ी सप्लाई की, और ईडी ऑलरेडी उसकी छानबीन कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतना बड़ा आप एक स्टैंड लेते हैं, तब एक भ्रष्टाचारी और जो कि एक टेंटेड फेस है उसको उम्मीदवार बनाने का मतलब क्या है? लेकिन कांग्रेस और शिवसेना उबाठा दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पे महज एक 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 लिप सर्विस करती है, और जब उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है? कई सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है लीडरशिप चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। हरीश रावत, बड़े वरिष्ठ नेता, अभी भी कांग्रेस में है, उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम रहे, कह रहे कांग्रेस सुस्त हो गई है। नहीं, ऐसा है, दो चुनाव हम लगातार हार चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और मैं खुद भी हारा हूं, और मैं जो हारा या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। लेकिन दो हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी, अगला इलेक्शन भी हार रहे हैं। और चूंकि ये इनमें कोई सुधार नहीं है, और चूंकि इनकी तरफ से कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में निराशा पैदा हो गई है, और इसी निराशा की वजह से बहुत सारे कांग्रेस, जब आप कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस के नेता, संजय जी, जब भी कांग्रेस के नेता अंदर खाने बात करते थे कि ये चुनाव तो गया 2024 का, अब तो मोदी ही आ रहा है, अंदर खाने के ये बात करते थे और पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती थी। हाँ, वो तो मुझे खुद भी बोला गया था कि इस बार तो अपनी चुनाव नहीं, इस बार तो अपनी सरकार नहीं आएगी, लेकिन 2029 में आएगी। और आज मैं कहता हूँ कि जो हरकत है, जिस प्रकार से एक लैक लस्टर अप्रोच लेकर के कांग्रेस पार्टी में काम हो रहा है, जिस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एक डिसइंटीग्रेशन है पार्टी में, बिखराव है पार्टी में, जिस प्रकार से आइडियोलॉजिकली जो एक 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 कांग्रेस पार्टी इरिलेवेंट होती चली जा रही है और घिसी पिटी विचारधारा पे विश्वास कर रही है जबरदस्ती, जबकि बदले हुए समाज, बदले हुए देश के हिसाब से सुधरने और बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो 2029 के चुनाव में भी इनका कुछ नहीं होगा, और 2029 आते आते और भी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। क्या राम मंदिर को लेकर, जय श्री राम को लेकर वाकई कुछ बड़ा विषय है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस में ये बोलने पे पाबंदी है, संजय जी? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ये तो पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, जब अयोध्या में 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे थे और बड़ा प्राण प्रतिष्ठा एक समारोह हो रहा था, जब पूरे देश के बड़े बड़े लोग, सभी लोग, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों या फिर क्रिकेटर हों या फिल्मकार हों या सर्वसामान्य लोग हों, हर तरह के लोग वहां जा रहे थे, और वहां के आयोजन समिति ने सभी को बुलाया था, तब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने उस कार्यक्रम का विरोध किया और कहा कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा मात्र है, उसी दिन समझ में आ गया था कि इनको राम के अस्तित्व पर इनको विश्वास नहीं है, और तब उन्होंने राम के प्रति जो आस्था होती उस आस्था को संदिग्ध कर दिया था। तो पूरे देश ने देखा था, और आपने देखा होगा कि उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद उनके प्रवक्ता लोगों को बोला गया कि जाके इस पूरे मामले को डिफेंड करिए, और 4-5 दिनों तक अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए डिफेंड करने का एक कार्यक्रम चला। तो ये बेसिकली
इनके मन में धर्म के प्रति कोई आग्रह नहीं है, सम्मान नहीं है, जिसके नतीजे समय समय पर दिखते रहते हैं। हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए कभी मंदिर में जाके पूजा करना, कभी नर्मदा जी की पूजा करना, कभी जनेऊ पहन लेना, ये सब दिखावा है। लेकिन सच है कि मन के अंदर एक जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म, समय समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आखिरी सवाल है, आगे का रास्ता आपका क्या होगा? क्या शिवसेना शिंदे ग्रुप गुट के साथ आपकी बात हो रही है, आप जा रहे हैं उधर? अभी ये थोड़ा सा अभी भी अनिश्चित है, आने वाले दिनों में नवरात्रि के दरमियान हम एक फैसला ले लेंगे और आप सबको बहुत खुशी खुशी बताएंगे। नवरात्रि के पावन दिनों पर आप ये फैसला ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज 18 के साथ। थैंक यू सो मच संजय जी। छत्तीसगढ़ के बस्तर से प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग छाप बताया बहुत बड़ा आरोप। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुआ अलायंस गठबंधन। न्यूज 18 इंडिया से बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा अमेठी से लड़ने का है दबाव, लोगों ने मेरी मेहनत देखी है, यानी खुलकर आए पहली बार सामने। दिल्ली आबकारी घोटाले में केजरीवाल की निजी सचिव विभव कुमार से ईडी ऑफिस में हो रही है पूछताछ। अभिनंदन है व्यूअर्स आपका देश के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आर पार में। करीब 8 दशक पहले धर्म के आधार पर बंटवारे की सोच दिखाने वाली मुस्लिम लीग की साल 2024 के चुनाव में, यानी आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। और इसकी वजह है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें कहा गया है कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आसान लोन देने का वादा भी कर डाला है, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टू कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग की थी, और कांग्रेस एक बार फिर मुस्लिम लीग के विचारों को देश पर थोपना चाहती है। लेकिन यह इकलौता मामला नहीं है। रामनवमी पर ममता बनर्जी ने दंगे की जो आशंका जताई है, उसे लेकर भी सियासी पारा बड़ा हाई हो गया है। और इसी बीच अखिलेश यादव माफिया मुख्तार अंसारी के घर वालों का दुख दर्द बांटने पहुंचे, इसे लेकर भी जबरदस्त सियासी टकराव हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं, तो क्या यह सब तुष्टीकरण की एक बड़ी चाल है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, तुष्टीकरण का रोक चुनावी है प्रयोग। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ही धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। वोट बैंक वाली ढाल की पहली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एनआईए की टीम 2022 के एक केस की जांच के लिए पहुंची थी। उस टीम पर ना सिर्फ वहां हमला हुआ, बल्कि ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी एनआईए के जरिए राज्य में दंगा कराना चाहती है। दंगा कोड़ में उड़ा 19 तारीखे वोट, 17 तारीखे दंगा कोड़ में। तुम्हारे तो राम काने काने बोल दी जाएनी, तुम्हें दंगा करो, किंतु एरा दंगा करबे और कोड़े एनआईए के ढुकी देबे। राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं, हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। तब देश विरोधी संगठन एसडीपीआई जैसी संस्थाओं का अपना सहयोग लेते हैं, पीएफआई उनको संरक्षण भी देते हैं, सहयोग भी लेते हैं। जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, ना जाने कितना नफरत का सामान इन्होंने भर के रखा है, जो देश में आग और लगाना चाहते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके गांव में पॉलिटिकल पर्यटन जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की और इसके बाद बेहद हैरान करने वाले आरोप भी लगाए। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे?
क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं? माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावें। इस बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी वार पलटवार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। आपके दिल में जो था और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में खुलकर लिखा है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस की नजर में बहुसंख्यकवाद क्या है? क्या काशी का कायाकल्प करना बहुसंख्यकवाद है? क्या रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण बहुसंख्यकवाद है? क्या भारत में हिंदू होना अपराध है? तानाशाही से बहुसंख्यकों की तुलना के आखिर मायने क्या है? क्या संख्या बल के आधार पर अधिकार तय होंगे? क्या बहुसंख्यकों को गाली से मिलेगी वोट वाली ताली? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वोट के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को गुनाह वाले दाग भी अच्छे लगने लगते हैं? तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, तुष्टिकरण की सियासी होड़ का विश्लेषण। कांग्रेस घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद पर लगाम कसने का खुला ऐलान है। बहुसंख्यक कौन है? भारत में हिंदू आबादी को बहुसंख्यक माना जाता है। क्या है बहुसंख्यकवाद? जो सवाल हमने आर पार में आज उठाए। टीएमसी घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद पर लगाम लगाने की बात है। टीएमसी की बात यह है कि ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न है, क्या कांग्रेस पार्टी या फिर क्या विपक्ष जो है वो बहुसंख्यकवाद की बात करके तुष्टिकरण का खेल खेलना चाह रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए विवेक है, मेरे साथ लेफ्ट के जाने माने नेता हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता हैं, रिजवान अहमद है, स्कॉलर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, साथ ही साथ प्रवक्ता है। शुरुआत में आपसे करता हूं विवेक जी, और आपसे 40 सेकंड में जानना चाहता हूं, ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है जिसकी बात कर रही है कांग्रेस? देश के दिल में क्या बहुसंख्यकवाद के खिलाफ माहौल है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए बहुसंख्यकवाद एक खतरनाक चीज है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुसंख्यकवाद की एक नीति 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक लेकर के आए थे, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और हिंदू माइनॉरिटी और बाकी माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं एक सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप दी गई। तो बहुसंख्यकवाद अगर चरम सीमा पे पहुंच जाता है, फनेटिक हो जाता है, तो फासीवादी स्टेट का निर्माण होता है। ये जर्मनी में हम देख चुके हैं, हिटलर के अंडर ये खतरनाक चीज है। सामान्य ज्ञान के लिए मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए, बहुसंख्यकवाद है क्या? पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 आपकी राय में क्या है बहुसंख्यकवाद? जी, बहुसंख्यकवाद में आप मेजोरिटी कम्युनिटी को सुपीरियर मानते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से, और स्पेशल प्रिविलेजेस देकर के माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरफ धकेलते हैं। जगह जगह उनका बहिष्कार उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस का होता है, और फासीवादी स्टेट का निर्माण होता है। ये खतरनाक स्थिति होती है, इससे देश पिछड़ता है जैसे पाकिस्तान पिछड़ा है। प्रोग्रेसिव देश वो होता है जिसमें सभी नागरिक एक समान होते हैं, सबकी एक जैसी राइट्स होती हैं, माइनॉरिटीज मेजॉरिटी से ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। इसलिए अब आपने अपनी बात को रखा, अब अपनी वाणी को दीजिए विराम। अब गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इसी बहुसंख्यकवाद को देखते हुए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। सवाल ये उठता है कि आपको कांग्रेस प्रधानमंत्री को कांग्रेस से मुस्लिम लीग की याद क्यों आ रही है? गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो ये जो है पूरा देश अचंभित रह गया ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है वो मुस्लिम लीग का एजेंडा आगे बढ़ा रही है।
तो आपने जो सवाल पूछा है ऐसा क्या लगा, तो मैं आपको दो बातें बताता हूं उसी मैनिफेस्टो से। पहली बात, आप आरक्षण की बात करेंगे धर्म के आधार पे, क्योंकि अभी आपको खुशी नहीं मिली है कि आपने देश के दो हिस्से कर दिए थे और वो धर्म के आधार पे ही हुए थे। आप चाहते हैं आगे भी लोग टूटते रहे, प्रदेश टूटते रहे जी, और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रहे। और संविधान क्या कहता है अमित जी? संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है। दूसरी बड़ी बात है, इन्होंने कहा बहुसंख्यकवाद खतरनाक है। अरे भूल गए, पहले तीन शब्द संविधान के हैं, वी द पीपल। हमारे देश में बहुसंख्यक कौन है अमित जी? हिंदू। और हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि वो अपने आप को एक पंथ निरपेक्ष देश देते हैं, वो संविधान देते हैं जो पंथ निरपेक्षता की बात करता है। मतलब बहुसंख्यक अब खतरनाक हो गए जी। गौरव भाटिया खतरनाक नहीं है जी, गौरव खतरनाक नहीं है। कितनी अशोभनीय बात इन लोगों ने करी है, कांग्रेस पार्टी पे थूथू हो रही है जी। देश का मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया का रुख करता हूँ। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कांग्रेस तो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है जी। मैं जानना चाह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के तुष्टिकरण के साथ है पाकिस्तान में, अगर आतंकी माने जा रहे हैं तो अपनी सवाल सरकार पर सवाल खड़ा करना क्या जायज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि वो विकास के मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। उसे पता है कि हमने कोई काम तो किया नहीं है, तो नफरत की राजनीति की बात करती है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपका तुम्हारा टाइम दोबारा शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करना चाह रही, बहुसंख्यकवाद की बात किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने। किसने बोला कि कनाडा के लोग कह रहे हैं कि भारत की सरकार हत्या करवा रही है? अखिलेश जी ने। अब बताइए कौन विकास की बात करना नहीं चाह रहा? अरे बोलने मुख्तार अंसारी के घर तक, एक सेकंड, मुख्तार अंसारी के द्वार पर जाकर कौन सा विकास का काम हो रहा था? अरे यार मुख्तार, नहीं सवाल का जवाब नहीं दोगे आप? बोलो ना, बीजेपी की बात करोगे आप? मुझे नहीं बोलने दे रहे, बीजेपी प्रवक्ता ने बोल तो दिया। सवाल मेरा है, चुप तो रहोगे तब तो मैं बोलूंगा। बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा था तब आप चुप थे, आप मुझे बोलने दीजिए भाई, मेरा नंबर है, मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलना शुरू करता, आप चिल्लाना शुरू करते हैं तो ठीक नहीं है भाई, परंपरा ठीक नहीं है, हिंदुस्तान देख रहा है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है, मन से खड़े होकर विकास की बात नहीं करती है, वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि उसने क्या क्या वादा किया था देश के अंदर में 2014 में जब चुनाव में आई थी, कि किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, हो गई क्या? किसान की एमएसपी गारंटी मिल गई क्या? किसान रोड पे धरने पे बैठा नहीं है क्या? बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा है क्या? बेरोजगार को आपने कहा था पैर पे खड़ा कर देंगे, बेरोजगार को आपने लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, आप तो 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, आप तो उनको रोजगार देने वाले थे, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। महिला अत्याचार की आप बात करते थे, हम आएंगे महिला अत्याचार खत्म कर देंगे, क्या हुआ यहाँ मणिपुर में? मणिपुर में कैसे अन्याय हुआ महिलाओं के साथ? किस तरह से पहलवान महिलाओं के साथ हुआ? किस तरह से पीएचयू घटना हुई? अंकिता भंडारी हुआ? उसका जवाब आपको पास नहीं है। देखिए यही है कि रटी रटाई का जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं फिर निवेदन करूंगा जो सवाल जवाब देना चाहिए। गौरव भाटिया, अब आपने अभी बात को रखा, गौरव भाटिया योर रिप्लाई 40 सेकंड्स। कहां बात को रखा? अभी बात रखने देते तो मैं पोल खोलना शुरू करता हूं बीजेपी की, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अनुराग, पता नहीं कौन से पेट की बात कर रहे हैं, किस दर्द की बात कर रहे हैं। 2 मिनट तो बोलने दो, एक सेकंड, आपने 2 मिनट नहीं 2.5 मिनट बोला, आप बोलना शुरू करता हूं, 2.5 मिनट बोला आपने, आपको पता ही नहीं लगता कितना बोल रहे हैं। ऑडियो डाउन करने का अब गौरव भाटिया की बारी, गौरव भाटिया 40 सेकंड शार्प, उसके बाद ऑडियो डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेक योर पॉइंट गौरव भाटिया। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मुख्तार अंसारी के लिए अखिलेश यादव का दिल क्यों धड़कता है? ये तुष्टिकरण की राजनीति का ही प्रमाण है। अब याद करिए, योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे कहा गुंडों को मिट्टी में मिला दूंगा, और दर्द किसे हुआ था? अखिलेश यादव को। एक दूसरा, तुष्टिकरण का अगर कोई असली पराकाष्ठा है तो समाजवादी पार्टी है। मैनिफेस्टो की बात हो रही है, देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, कैमरा लगाइए इस पे, जनता देखे। और अंदर क्या कहते हैं अमीर जी? जी जी, ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी लागू करेंगे, जब सरकार में थी तब करी नहीं। और जो दहशतगर्दी करते हैं, जो आतंकवाद के मुकदमे कायम थे
उनके मुकदमे वापस ले लेंगे। ठीक है, जवाब जवाब बताइए एक बात अमीर जी। जी जी, जो आतंकवादी हैं उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, किसी भी आतंकवादी की जेल की सलाखों में जगह है या फिर ढाई का जमीन के नीचे जगह है? मौतें हुई दिखाइए, और नोटबंदी में किसको फायदा हुआ दिखाइए, अरबपतियों की कितनी संपत्ति बढ़ी दिखाइए, बिलियनर कितने बड़े हैं हिंदुस्तान में दिखाइए, 2014 के बाद 83% युवा बेरोजगार हुआ, ये आईलो की रिपोर्ट है दिखाइए, आप सम्राट चौधरी ने पिता पुत्री के रिश्ते के बारे में क्या बोला दिखाइए, दुनिया देखना चाहती है कि पिता पुत्री के रिश्तों को यहाँ पे ईश्वरीय रिश्ता बोला जाता है, वो कह रहा है कि किडनी देकर टिकट दे रहे हैं, क्या ये बताइए कि पिता अपनी बेटी को पाल उसके बड़ा करता है, पुत्री अगर अपना फर्ज निभाती है अपने पिता को किडनी दे दे या अपने पिता की मदद करे तो लेन देन का रिश्ता कहलाता है क्या, बताइए आप, मैं जानना चाहता हूँ संविधान बदलने की बात कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी के एमपी कह रहे हैं कि जीतेंगे तो संविधान बदलेंगे, बताइए आप दिखाइए आप, ओके यू मेड योर पॉइंट अनुराग, अनुराग ऑडियो डाउन, रिजवान अहमद एक सेकंड, रिजवान अहमद को के पास जाइए एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन आई विल कम बैक टू यू गौरव जी, रिजवान अहमद मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है आपसे, क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है या बीजेपी बहुसंख्यक पॉलिटिक्स कर रही है और इस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने तो नहीं बोला था अखिलेश जी से कि आप मुख्तार अंसारी के आ जाइए, बीजेपी ने तो नहीं कांग्रेस को बोला था कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये, एक लाइन में बता दूं जी, बिल्कुल एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में आप पूछ रहे थे कि बहुसंख्यकवाद क्या है जी, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यकवाद पर सवाल पूछने लगे, तुष्टीकरण पर सवाल पूछने लगे, झूठे सेक्युलरवाद पर सवाल पूछने लगे, उसको बोला जाता है बहुसंख्यकवाद, जो 2014 नहीं बल्कि 13 से तभी मोदी जी सत्ता में आए बहुसंख्यक ने पूछना शुरू कर दिया था, अब सेक्युलरवाद ये चाहते हैं कि झूठे सेक्युलरवाद पर, तुष्टीकरण पर और अकलियतवाद पर सवाल मत पूछो, पूछोगे तो तुम्हारी तुलना हिटलर से, रशिया से और नाजियों से की जाएगी, ये तो है भाई डेफिनेशन। दूसरी बात मैनिफेस्टो से आई है, कांग्रेस ये मैनिफेस्टो ला ही नहीं सकती थी टेक्निकली, क्योंकि पूरा चुनाव इंडिया अलायंस के मंच से लड़ा जा रहा है, ये इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आना चाहिए था, जो पार्टी अकेले 270 सीट जीतने की बात नहीं कर रही वो मैनिफेस्टो कैसे ला सकती है, और क्या इस मैनिफेस्टो में इंडिया अलायंस का सैंक्शन है, कंसेंट है, ये अनुराग भदौरिया बताएंगे। अब इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा, पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल वक्ता बैठे हैं, जो भी ये इनका मैनिफेस्टो है कि साहब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा माइनॉरिटी का, क्या यहां पर मेजॉरिटी लिखा है? फिर ये है अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, स्किल डेवलपमेंट, माइनॉरिटी के लिए क्या यहां पर मेजॉरिटी लिखा है? क्या उन्होंने लिखा है कि वी विल इनकरेज रिफॉर्म ऑफ पर्सनल लॉज ऑफ मेजॉरिटी, लिखा है नहीं लिखा है? यहां पर लिखा है माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, तो इसका मतलब लड़ाई हो रही है। विवेक किसका जवाब? विवेक सवाल पूछने वाले बहुसंख्यक की, देखिए जी, देखिए जी जी, ओके माइनॉरिटी और झूठे सेक्युलरवाद। रिजवान भाई देखिए, ये आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं चीज को, पहली चीज तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, INDIA का अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, और वो रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे घटक दल इकट्ठा हुए हैं, ऐसा लगता है कि 1947 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और कहीं ना कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी वर्सेस माइनॉरिटी कम्युनिटी की एक धार्मिक पॉलिटिक्स इस देश में खेली जा रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, खड़ा होना जरूरी है, ये मैं आपको पहले समझा दूं। दूसरी बात, एक मैनिफेस्टो जो होता है वो CAG की रिपोर्ट नहीं होती है, मैनिफेस्टो और CAG की रिपोर्ट के अंदर फर्क को समझिए, CAG की रिपोर्ट में हर चीज का एक डिटेल दिया जाता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, मैनिफेस्टो एक ब्रॉडर आउटलाइन है जिसके अंदर बड़ी क्लियरिटी के साथ जो विजन है वो एक सेक्युलर और सोशलिस्ट इंडिया का है, इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए, क्रोनी कैपिटलिज्म जो इस सरकार जो अमीश भाई, अमीश भाई, 30 सेकंड, 30 सेकंड, जिसको अनुराग भदौरिया क्वेश्चन कर रहे थे उसके ऊपर भी INDIA इकट्ठी है, इसको आप समझ लीजिए इस चीज को, और जिस तरीके से मुसलमान और माइनॉरिटीज का मतलब मुस्लिम, रिजवान को 30 सेकंड का टाइम है, ओके रिजवान अहमद 30 सेकंड जी। अमीश भाई आप कह रहे हैं कि हम महालक्ष्मी स्कीम लेके आएंगे, 8 करोड़ गरीब परिवार की सबसे वृद्ध महिला को 1 लाख रुपए साल देंगे, ये ब्रॉडर आउटलुक होता है? आप सारे ग्रेजुएट को, डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए साल देंगे,
ये ब्रॉडर आउटलुक होता है जी नहीं, ये ब्रॉडर आउटलुक नहीं होता है, ये वेरी स्पेसिफिक होता है। और ये जो मैनिफेस्टो है ये स्पेसिफिक है, नंबर वन। नंबर टू, क्या भाजपा के, मेरा सीधा सवाल है, क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में मेरे भाई जहां जहां माइनॉरिटी यूज हुआ है वहां वहां मेजोरिटी यूज होगा, कि मेजोरिटी के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, मेजोरिटी के लोगों को बैंक से लोन दिए जाएंगे, मेजोरिटी के लोगों का पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, क्या उनके मैनिफेस्टो में ऐसी बात लिखी जाएगी? आपको लगता है लिखी गई है? जब आप, जब प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के पे मंच को माइनॉरिटीज को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस प्रोग्राम के शुरू में ही दिखाया गया, और मैनिफेस्टोस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं जो माइनॉरिटीज की बात उठाते हैं, तो विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और विजन ऑफ द गवर्नमेंट और विजन ऑफ बीजेपी क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, जब आप चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा का और सरकार का 10 साल का कार्यकाल, उनकी नीतियां और जिस तरीके से चीजें मैनेज हुई हैं इस मुल्क में, वो बड़ी सामने है कि एजेंडा क्या है। इट मे और मे नॉट बी रिटन इन द मैनिफेस्टो, बट एवरीबॉडी नोज कि संघ का, संघ का एजेंडा क्या है। अमीश भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल इतना खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भाई एक बात बताइए आप लोग, आपको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए भी इंडिया अलायंस बनाना पड़ा? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इतनी बुराइयों के बाद अकेले अकेले लड़के जीत लीजिए ना। और बीजेपी, आपको इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नीतीश कुमार क्यों चाहिए? बीजेपी को अजीत पवार क्यों चाहिए? बीजेपी को नीतीश कुमार क्यों चाहिए? बीजेपी को अखिलेश यादव अगर उनकी वोट हमारे चाहिए, क्योंकि 300 सीट से 350 पहुंचना है, 300 सीट से 350 पहुंचना है, आपको कितना पहुंचना है? इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा भी 400 का टारगेट है, तो ये थोड़ा सिलेक्टिव हो सकते हैं। आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या? 400 का टारगेट, आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या? इनका 400 का टारगेट 400, हम INDIA 400 लाएगा साहब, हम भी 400 लाएंगे। अब ये नहीं है ना, अब देखिए पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। अगर अगर बीजेपी को ये राइट है, एनडीए को ये राइट है कि वो अपने लीडर्स को, अन्य बिल्कुल सबको राइट है, सबको पॉलिटिकल राइट है, लेकिन लेकिन तो, देखिए रॉन्ग करके राइट नहीं होता। मैं गौरव भाटिया को चर्चा में लेके आना चाहता हूं, रॉन्ग करके राइट नहीं होता, मेरे साथ टीएमसी के भी नेता है, मैं रॉन्ग करके राइट नहीं होता। पॉइंट ये है कि गौरव भाटिया ने तो बोला नहीं था कि भाई मुख्तार अंसारी के पास जाया जाए, पाकिस्तान में आतंकी मर रहे हैं तो उन पे सवाल उठाए जाए, मतलब एक और बड़ी बात पाकिस्तान में आतंकी मर रहे हैं तो उस पे सवाल उठाए जाए। और मतलब आप सोचिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में सीधे कहा जा रहा है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, मतलब बहुसंख्यकवाद पर हम लगाम कसने की कोशिश करेंगे। क्या है बहुसंख्यकवाद, पहले तो उसे एक्सप्लेन करिए ना। यहां पर एक इंडिया अलायंस का अगर एक्सप्लेन करते बहुसंख्यकवाद क्या है तो मैं समझ जाऊं। क्या है बहुसंख्यकवाद? कह रहे कि देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये बहुसंख्यकवाद है। अरे राम रामलला का मंदिर बनना के बहुसंख्यकवाद है? बहुसंख्यकवाद है क्या मंदिर? क्या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना बहुसंख्यकवाद है? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या 370 हटना बहुसंख्यकवाद है? सवाल पूछा जाएगा ना ये डेवलपमेंट पे। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं कर रहा, चार पांच नेता सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में पेट्रोल खत्म हो गया है, मध्य प्रदेश की घटना है ये आज की, और बहुसंख्यकवाद पे सवाल उठाने चले हैं। अमित जी अब ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, देन टीएमसी। धन्यवाद। देखिए दो बड़ी बातें मैं आपके मंच पे रखता हूं। पहला, बहुसंख्यकवाद पे आपने कहा, ये इनकी जहरीली सोच है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी बताया किस तरह से कम्युनल वायलेंस बिल लाने का प्रयास किया था इन्होंने, पुरजोर तरीके से जब विरोध हुआ तो ठंडे बस्ते में डाल दिया उसे। वो क्या था? जो बहुसंख्यक हैं उनको आरोपी मान लिया जाएगा, ये किस तरह का कानून था? और हिंदू आतंकवाद आविष्कार कहां हुआ? कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जबकि हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है। ये दिखाता है इनकी नफरत बहुसंख्यकों से, हिंदू ही बहुसंख्यक है। लेकिन बड़ी बात क्या है अमीर जी, गौरव, बड़ी बात यह है ऐसे ही करते हैं ना आप लोग भी, तो काम ऐसे ही करते हैं। सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी मारे गए हैं, क्यों मारे गए पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी? सवाल का जवाब देना होगा आपको, विपक्ष को।
अमीर जी देखिए, आतंकी चाहे पाकिस्तान में मरे चाहे भारत में आतंकी मरे, दर्द जो होता है वो कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी इनको होता है। क्यों मालूम है? इनका जो तार है भारतीयता का वो तो है ढीला, टूटा हुआ है, और जो तुष्टीकरण का है, मुस्लिम वोट बैंक का है, वो मजबूत है, उसमें करंट जरूर आता है, कई बार पाकिस्तान से भी करंट आ जाता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा आपके प्रोग्राम में जो हमारी अखंडता के लिए खतरा बने, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। हमारे देश में दूसरे नंबर पे बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान है। तो हमें यह समझना होगा कि अरे अगर अल्पसंख्यकों की बात करते हो तो क्रिश्चियन 2.3% है, जो सिख है वो 1.7% है, जैन 0.4% है, अल्पसंख्यक तो वो है। लेकिन आप तो कहते हैं राहुल गांधी ने कहा था हम मुस्लिम पार्टी हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या इससे पहले, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, खासकर मुसलमानों का है, क्या ये सत्य नहीं है? हज सब्सिडी देते थे रुपए से, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जवाब, टीएमसी का जवाब होगा। आज जो शासन है वो शासन है सबका साथ सबका विकास, और पहले जो शासन था वो तुष्टीकरण का था, जहां हिंदू द्वयम अनिर्बन बनर्जी गौरव भाटिया की बात का जवाब जी, ये रामनवमी से दिक्कत क्या है? इलेक्शन हो, ये रामनवमी से टीएमसी को दिक्कत क्या है बनर्जी साहब जी? रामनवमी को दंगा बनाने का, दंगा करवाने का एक डेट में जो कन्वर्ट किया है उसका नाम है आरएसएस बीजेपी, इसको लेकर सबको दिक्कत है, टीएमसी को नहीं, सबको दिक्कत है। एक जो बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि ये सही आरोप है भाई, यहाँ पर बांग्ला में कोई भी पूजा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सालों से होता आया है। ये बीजेपी और आरएसएस का जो दबदबा है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, उसके बढ़ने के बाद एक डेट में, पूरे साल में सिर्फ एक डेट में ये ऐसे काम करते हैं कि सबको लगता है कि भाई अब क्या होने वाला है। और कि दुर्गा पूजा में प्राय लगभग एक महीना तक सब फेस्टिवल में लगे लेकिन रहते आप ये हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी एक ऐसी डेट है जब दंगा होगा। आप कह रहे हैं जब रामनवमी एक ऐसी डेट है जब दंगा होगा, जब से बीजेपी के जो लोग हैं वो दंगा करने का पूरा, वारदात पहले भी होती हो, बीजेपी और आरएसएस के लोग रेजिस्ट करते हो, पुलिस रोकता है कोई भी फेस्टिवल में, सुन लीजिए और कोई भी फेस्टिवल में, वो दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, वो ये अपना ईद हो, वो 25 दिसंबर हो, कुछ भी हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है। सिर्फ इस एक तारीख में बीजेपी आरएसएस के जो गुंडे हैं वो उतर जाते हैं रास्ते पे, इसको लेकर पूरे स्टेट में टेंशन फैल जाता है। इसीलिए टीएमसी और सब पार्टी को, बीजेपी को छोड़कर सबको आपत्ति है कि ऐसा डेट में इनको पकड़ कर घर में रख लो, उससे शांति रहेगा। ये लोग सभ्य समाज के लिए एकदम खतरा है, यही टीएमसी ने बताया, और दूसरे पार्टी में एक ही बात कहते हैं। देखिए मैं अभी जी इनकी बात का उत्तर देता हूं। टीएमसी के प्रवक्ता ने यह मान लिया है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इनके दम नहीं है कि कानून व्यवस्था सही रखें। संदेश खाली याद करिए, नाम था आरोपी का शाहजहां शेख, अगर वो श्रीकांत शर्मा होता तो 5 घंटे में ममता बनर्जी पकड़ लेती, 55 दिन तक उसको पकड़ नहीं पाई थी जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आया। ये बात करते हैं दुर्गा वो स्टेट पुलिस नहीं पकड़ा, 4-5 साल सीबीआई ईडी ने कुछ नहीं कर पाया। बनर्जी साहब अनिल बन, आप समझदार आदमी लग रहे हैं, अपनी टर्म पे बोलिए। लोगों का मुंह का दस्त है इन्हें जी, शांत रहे। मैं 3 पॉइंट अपने बोलूंगा, एक बोल दिया, संदेश खाली, 55 दिन तक शाहजहां शेख दौड़ता रहा क्योंकि संरक्षण प्राप्त था। दूसरा, 5 साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने, मैं आपको अलग अलग आदेश दिखा दूं, जब मुहर्रम आता है तो दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश देता है अमीर जी कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए भी रास्ते बनाइए। तीसरी बात, क्या ये ममता बनर्जी का बयान नहीं है कि मुसलमान जो है वो दूध देने वाली गाय है, उसकी दुलकती में खाऊंगी, और हिंदुओं के लिए एक राम का अनुयायी कहता है जय श्री राम, तो ममता बनर्जी गाड़ी से निकलती है गुस्से से और कहती है तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। आप बताइए, तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? रोहिंग्या इनको अपने लगते हैं लेकिन हिंदू इनको पराए लगते हैं, यही तो चश्मा लगाया है हरा हरा ममता बनर्जी ने। जी बनर्जी साहब आप जवाब दे दें,
जी यही देखिए बीजेपी, मैंने पहले ही कहा था जो भी वोट आ जाए वो लोकसभा हो विधानसभा हो कुछ भी हो, इनका एक ही मुद्दा है हिंदू मुसलमान करो भारत पाकिस्तान करो और कुछ वोट समेट लो। यही तो वो सरकार है जो पुलवामा में क्या हुआ था आज तक बता नहीं पाया। सत्यपाल मलिक ने बता दिया क्या हुआ था, ये लोग चुप बैठे हैं। ये लोग वोट के लिए हमारे जवान को मार देते हैं, ये लोग वोट के लिए दंगा करवा देते हैं और इनके इनके जब सरकार चलता है तो ना मुसलमान ना हिंदू कोई भी सेफ नहीं है। ये जो अब तीन ये जो दुर्गा पूजा को लेकर इतना बात कर रहे हैं, ये कहते थे बांग्ला में दुर्गा पूजा होता ही नहीं है, तो बांग्ला के लोग ने वोट में ऐसा चमाटा मारा कि अब आके दुर्गा पूजा में ये आके ऐसा हाथ ऐसे करके बैठे रहते हैं। ये लोग कहते थे यहाँ दुर्गा पूजा होता ही नहीं था, तो वो जब भी बांग्ला को लेकर ऐसा उल्टा सीधा बोले देखिए आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली जो कि एक मैसिव स्टेटमेंट है कि रामनवमी पर दंगा करने का ही प्लान इन्होंने कर रखा है और रामनवमी एक ऐसी तारीख होती है जिसमें आके दंगा करते हैं। रामनवमी में तो राम की पूजा होती है और ये रामनवमी तो बेहद बेहद खास है और सिर्फ बंगाल के लिए नहीं करोड़ों हिंदुओं के लिए खास है क्योंकि रामलला का मंदिर बना है 550 साल बाद रामलला का मंदिर बना है, इसलिए ये रामनवमी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद बेहद खास है। आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया आकर और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ये है कि रामनवमी के दिन तो ही रामनवमी एक ऐसी तारीख है जिसमें दंगा कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं किसी और धर्म के, एक सेकंड नहीं बैनर्जी साहब मैंने आपको पूरा सुना बैनर्जी साहब, आप बोल सकते हैं किसी और मजहब किसी और धर्म के त्योहार के लिए कि वो फलानी तारीख दंगे की तारीख है, बस लेकिन ये लिबर्टी आपको रामनवमी पे मिल जाती है बोलने की। आप बोलिए अगर कोई गलत करेगा तो उस गलत पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरे त्योहार को एक धार्मिक उन्माद का विषय बना देना बेहद बेहद गलत है और मैं यही कहता हूं ये चुनाव का प्रयोग है और तुष्टिकरण का बहुत पुराना रोग है। लेकिन ये देश साल 2014 के बाद बदल गया है, 2013 के बाद ये देश बदल गया है, ये तुष्टिकरण को समझता है। इस देश के प्रधानमंत्रियों ने बयान दिए हैं भाई अल्पसंख्यकों का पहला हक है नेचुरल रिसोर्सेस पर, विज्ञान भवन में ये भाषण हुआ था, कोई क्या कहेगा किसी को, हुआ था इसी मुल्क के अंदर हुआ था, कम वोट में हमको जो करना है हम वो करेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये देश बोलता है अब। और यही बहुसंख्यकवाद की बात कर रहे हैं क्या, रामनवमी को दंगे के साथ जोड़ेंगे, यह अगर इसका कोई विरोध करता है तो बहुसंख्यकवाद हो जाता है। रिजवान अहमद कुछ कह रहता रहे 30 सेकंड, अनुराग बुदरिया, रिजवान जी हाँ। अमीश भाई मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां खत्म करी थी, आने वाला 30 सेकंड में सीधे अखिलेश यादव जी को देता हूं। को सामने देखते हैं, इनसे पूछा गया कि आपने इंडिया अलायंस क्यों बनाया है, बीजेपी ने जो काम किया है कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी अब मेरा सवाल है, ये बात मैंने नहीं बोली और भाटिया भाई ने भी नहीं बोली, ये कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस हमारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। ओके अनुराग जी, आप देखिए अमीश जी, आप मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछवा रहे हैं, इसलिए कि आपको बधाई तो बनती है अमीश जी, आपके लिए तालियां तो बनती है कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हुआ मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछिए, जवाब मुझसे पूछिए मैं जवाब दूंगा, बताइए क्या है अमीश जी। देखिए सवाल ये, आपके सवाल तीन थे जब मैंने शुरू किया था, तो आपने तीन सवाल पूछे थे, एक मुख्तार अंसारी के यहां क्यों गए, मैं आपको बताता हूं इस लोकतंत्र में प्रजातंत्र में ताकत किसके पास है, जनता की अदालत के पास है, जनता की अदालत सुप्रीम अदालत होती है, वही जनता लगातार उस परिवार को जिताती आ रही है, अगर जेल में था तो भी 5 बार जीता, बेटा जीता फिर उसका भाई जीता फिर उसका भतीजा जीता, जनता जिता रही है हम नहीं जिता रहे, और जिसको जनता जिताती है उसका सभी सम्मान करते हैं, वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा में बैठता है जाके या विधानसभा में बैठता है। दूसरी बात
जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, मैं पूछना चाहता हूं लोकसभा में यहां पे 763 सदस्य हैं, आप बताइए कितने सदस्य हैं जिनके ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे हैं, संगीन मुकदमे आपराधिक, वो है 154 सदस्य। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि बिलियनर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, 2014 में 100 थे, 2024 में 186 हो गए, गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान की इनकम बढ़ती जा रही, 27 रुपए पर डे आ गई, लेकिन अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ गई, कहां से भाई, देश में कर्जा 205 लाख करोड़, ये बात आपने 10 मिनट पहले भी बोली, इसी दमखम के साथ बोली। ओके, यू मेड योर पॉइंट रिजवान अहमद, रिजवान अहमद अनुराग की बातों का जवाब, बात पूरी नहीं हुई, हो गई सर, 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए, यू मेड योर पॉइंट, 10 सेकंड और दोगे तो मैं बात तो पूरी, यू मेड योर पॉइंट, मैं आपको आगे चांस दूंगा, रिजवान अहमद 40 सेकंड, रिजवान अहमद 40 सेकंड, आप 40 सेकंड रिजवान अहमद, अमीश भाई रिप्लाई टू अनुराग बुदरिया, अमीश भाई फिर से अपना बड़ा मासूम सा सवाल दोहरा रहा हूं, कोई भी तीनों में से चाहे जवाब दे दे, अगर अनुराग नहीं देना चाहते, विचलित हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जी ने 4 दिन पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस इस बारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से कहीं कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है, हमें अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा अपने काम से, मुझे हमें जवाब तो मिले ही नहीं, देश की जनता को जवाब तो मिले नहीं अनुराग का, लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया आप नहीं दे सकते, आप बताइए, मैं मौका 10 सेकंड मांग रहा था, जवाब तो मुझे दूसरी बार की बात पर एग्री करते हो, मैं क्यों जवाब दूं, मैं जवाब दूंगा, एग्री करते हो, जवाब दो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अमीश जी मैं आपको आपको संबोधित कर रहा हूं, अमीश जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आपका आप एंकरिंग कर रहे हैं, अमीश जी मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, या आईएलओ की रिपोर्ट है, देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहां जीडीपी का 81% है, सम्राट चौधरी इसी देश का है और बिहार का उप मुख्यमंत्री है, क्या कहता है बेटियों के बारे में, अरे बेटी के बारे में, किडनी के लिए क्या बोला लालू जी के लिए किडनी लेके उन्होंने टिकट दिए, क्या मैंने सवाल पूछा, मैंने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा ना इस बारे में, एक सेकंड लेकिन देखिए अभी देखिए महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए भारत में बिलियनर ज्यादा हो गए हैं और गरीब गरीब हो रहा है, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा क्या मुख्तार अंसारी के घर जाकर विकास की कोई नई यात्रा शुरू हो जाएगी क्या, अगर हो जाएगी शुरू तो जानकारी दीजिए इस देश को, पॉइंट यही है कि हम जानकारी नहीं देना चाहते, गौरव भाटिया अनुराग जी के मन में कई सारे सवाल हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, और उन और 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 उन सवालों का जवाब देना जरूरी हो जाता है, ओके अनुराग शांत, शांत अनुराग, देखिए गौरव जी 40 सेकंड्स, ये कहना गलत नहीं होगा कि सपा के प्रवक्ता सेल गोल के पेले बन गए हैं, क्यों, इन्होंने क्या बोला आपके चैनल पे, इन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है, जनता की ताकत है, जिसको जिताती है उसका सम्मान होना चाहिए, मुख्तार अंसारी ही क्यों ना हो भाई, अगर पुलिस वालों को मारा है, लोगों को कुचला है, वो मशीन गन लेके घूमता था जब सपा की सरकार थी, लेकिन सम्मान होना चाहिए, ठीक है भाई हमने आपकी बात आज मान ली, तो ये बताओ 2014 और 2019 में ये बताइए विधानसभा में कितना 2022 में योगी आदित्यनाथ जी संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, उनका सम्मान संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, जवाब दे दीजिए, डाटा नहीं मालूम है कितने अपराधी हैं, कितने एमएलए जिसपे संगीन मुकदमे हैं बीजेपी के, कितने सांसद हैं जिसमें संगीन मुकदमे हैं, जरा बताइए, लेकिन एक मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, प्लीज चुप करा, गौरव 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 आपके पास डाटा नहीं है, अनुराग का ये आरोप है, देखिए मैं आपको डेटा देके ही बता देता हूँ कुछ बातें, इन्होंने कहा कि विकास पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्या ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग नहीं बन गए हैं, क्या ये सत्य नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 760 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गया है, क्या ये सत्य नहीं है 15 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ के नए अकाउंट खुले पिछले 10 साल में, नौकरी मिली कि नहीं मिली, क्या 45 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए हैं कि नहीं दिए, क्या ये सत्य नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान हमने दिया, बीच में मत बोलिए, कमाल के किसान की इनकम 27 रुपए पर डे हो गई है, सुनिए उसके लिए कान में उंगली डाल लेते हो, अब यार उसके लिए जवाब नहीं देते हो, मत कराइए, ये कौन सा नोटबंदी में क्या बोला गया, ये गलत बात है, इनको शांत कराइए, इसमें बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में फ्यूल, एमपी के शहडोल में अटक गए हैं राहुल गांधी, उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल की कमी की वजह से जो ईंधन डलता है हेलीकॉप्टर के अंदर
भोपाल से टैंकर शहडोल नहीं पहुंचा, इस वजह से राहुल गांधी वहां अटक गए हैं, वक्त से नहीं पहुंच पाए टैंकर, इस वजह से हेलीकॉप्टर में फ्यूल नहीं था, इस वजह से राहुल गांधी का चॉपर उड़ नहीं पाया है। एमपी के शहडोल में अटके हुए इस समय राहुल गांधी, और खबर यह है कि आज रात को शहडोल में ही रुकना पड़ सकता है राहुल गांधी को, या फिर बाय रोड ट्रैवल करके आना पड़ेगा। यह इस समय की बड़ी खबर है, वक्त पे नहीं पहुंच पाए टैंकर जो कि फ्यूल टैंकर पहुंच रहे थे, वो इस समय की बहुत बड़ी खबर है। चलिए मेरे साथ आज कौन कौन पैनलिस्ट है एक बार फिर आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़ेंगे, संजय निरुपम भी जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया है, रिजवान अहमद है मेरे साथ, टीएमसी नेता है, प्रवक्ता है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता वक्ता है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह तुष्टिकरण के रोक पर फिर विपक्ष चल पड़ा है, जब पता है यह प्रयोग लगातार फेल हो रहा है। विवेक जी 40 सेकेंड्स। नहीं, कोई तुष्टिकरण के रास्ते पे नहीं चला है, और मैं रिजवान भाई की बात का भी उत्तर दे देता हूं कि अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि किसी का वोट बैंक कामों से बढ़ रहा है तो वो प्रेज नहीं कर रहे हैं। किस तरह के कामों से बढ़ रहा है? कम्युनल कामों से बढ़ रहा है, डिविजिव पॉलिटिक्स से बढ़ रहा है, दो रिलीजन्स को आपस में लड़वाने से मनमुटाव कराने से बढ़ रहा है, और ये जो पॉपुलिज्म होता है ये डेंजरस है। मैं जर्मनी का उदाहरण बार बार देता हूँ, हिटलर जीत करके आए थे बाकायदा चुनाव, पॉपुलर नेता थे, उनके देश के लोग उनसे प्रेम करते थे, आगे जो हॉलोकास्ट हुआ सबने देखा। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि अगर कोई आदमी जीत रहा है या कल्ट वर्शिप हो रही है किसी पर्टिकुलर नेता की तो वो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो क्लैरिफिकेशन है अखिलेश जी पे। दूसरी चीज, मुख्तार अंसारी के केस में लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी या बाहुबली को के समर्थन में जा रहे हैं, बहुत संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है, बहुत से लोगों का कहना था स्टेट स्पॉन्सर्ड है, आपको बहुत से लोगों ने कहा, तो कहीं ना कहीं ठीक है से मिलना जरूरी था। जी 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 हाँ, नंबर वन, आज बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि सवाल था अखिलेश यादव पे और हमारे लेफ्ट के प्रवक्ता उनका उसका क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं और अनुराग भदौरिया उसको अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई आपने। अच्छा, मुख्तार अंसारी के लिए जो आप गए वो इसलिए गए क्योंकि वहां पर बड़ी संदेह पे वो जहर और बड़ी जी 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 डेथ मानी जा रही है। ठीक है, मैं इस समय रुक कर सकता हूं, मेरे साथ संजय निरुपम जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम इस समय जुड़ रहे हैं बेहद सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। संजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय निरुपम जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, यू आर गेटिंग मी? संजय निरुपम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। रिजवान अहमद, कंप्लीट योर पॉइंट। अमीश भाई, दस सेकेंड। यस रिजवान अहमद। अमीश भाई 10 सेकेंड बोल ले। हाँ बोलो, 10 सेकेंड बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के पास इस्मारे गए, तो मेरे काबिल साथी, तो भैया विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी, वो भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, उसके घर भी चले जाते। मुन्ना बजरंगी भी जेल में मारा गया था तो उसके घर भी चले जाते ना, वहां नहीं गए, मुख्तार के घर गए। ये कैसा प्रेम है, जरा ये समझाएंगे देश की जनता को? विवेक 30 सेकेंड्स। चाहिए पुलिस का काम एनकाउंटर करना, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग करना नहीं है। देश के अंदर कायदा कानून है, आपको सजा देनी है, आप कैपिटल पनिशमेंट अगर है आप देना चाहते हैं, ज्यूडिशियरी देंगे। घर क्यों नहीं गए? लेकिन आप ये मैसेज पब्लिक में जाने लग गया नहीं गए? सवाल ये है, सवाल ये है, आप विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है, विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है, मीडिया के ऊपर जम के रेस किया गया था। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, आपके शायद संज्ञान में ना हो, विकास आप उसके घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है, और घर क्यों नहीं गए? क्वेश्चन सही नहीं है, आप विकास दुबे के और मुन्ना बजरंगी के घर क्यों नहीं गए? संजय निरुपम हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं दोबारा से। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? अब देखिए